देखिए दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 5 सालों के बाद रूस के दौरे पर जा रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों पूरी की पूरी वेस्टर्न मीडिया में इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री का रसिया का जो दौरा है ये छाया हुआ है, क्योंकि पूरी की पूरी वेस्टर्न मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और खासकर दोस्तों अमेरिका ने भारत को धमकियाँ भी देना शुरू कर दिया है, क्योंकि दोस्तों यूरोप के देशों के साथ साथ अमेरिका भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भारत को सीधे ही ये धमकी दी है कि अगर भारत ने रूस से सैंक्शन के बावजूद भी नई डीलें की तो ये भारत के लिए भी सही नहीं होगा। हाल ही में आप लोगों को पता ही होगा कि यूरोपियन देशों के दबाव में आकर जापान ने भारत की एक कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। और दोस्तों यहाँ पे कुछ खबरें ऐसी भी निकल के आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का रूस का ये जो दौरा है ये काफी ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें काफी बड़ी बड़ी डील रूस से करने वाले हैं। कुछ सरप्राइज करने वाली डील मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये डील भारत और रूस के बीच में हो गई तो यकीन मानिए दोस्तों भारत काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों क्रूड ऑयल को लेकर काफी बड़ी बड़ी डील सुनने को मिल सकती है। इसके बावजूद दोस्तों हम सभी को जिस चीज का इंतजार था उस चीज को लेके भी एक काफी बड़ी डील भारत और रूस के बीच में हो सकती है। आप लोगों को पता ही होगा कि इस वक्त भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाना चाहता है और इस वक्त रसिया हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में किंग है, यानी कि दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसके पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भारत और रूस के बीच में ब्रह्मोस-2 मिसाइल को बनाने की एक बड़ी बात हो सकती है। दोनों देश कोलैब में एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकते हैं जो कि पूरे के पूरे यूरोप की हालत को खस्ता कर सकती है। खबरें तो दोस्तों कुछ ऐसी भी निकल के आई थी कि भारत और रूस के बीच में SU-57 फाइटर जेट को लेके एक काफी बड़ी डील हो सकती है। देखिए दोस्तों आप सभी को पता होगा कि MRFA डील के तहत भारत को लगभग 115 एडवांस फाइटर जेट की जरूरत है। अब ऐसे में दोस्तों भारत के लिए रसिया भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भारत के पास रूस के कई सारे विमान सेना में शामिल है और ज्यादातर विमान रूस से ही भारत ने परचेज किए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों SU-57 भारत के लिए एक बेस्ट ऑप्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि आज के समय में SU-57 दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट हो चुका है। और बताया ये जा रहा है कि जो भी कमी SU-57 में आज के कुछ साल पहले थी उन सभी को बिल्कुल रूस ने हटा दिया है और इतना एडवांस इसे बना दिया है कि युद्ध में SU-57 एक अलग ही प्रकार की भूमिका निभाता है। हालांकि दोस्तों 26 राफेल फाइटर जेट की डील फ्रांस से हो चुकी है और उम्मीद ये है कि भारत SU-57 को लेके काफी बड़ी खुशखबरी भारत को दे सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हमारा AMCA काफी ज्यादा खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि जो SU-57 है वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। अब ऐसे में भारत भी यहाँ पे 5th जनरेशन के एक फाइटर जेट पे काम कर रहा है, तो यहाँ पर उस पर काफी ज्यादा डिले देखने को मिल सकती है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत और रूस के बीच में ऐसी कुछ बड़ी बड़ी डील होने वाली है या फिर नहीं, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बस चलते आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।